राधे राधे, नमस्ते, राम राम सभी को। ठीक है, करें अपने सेशन को कंटिन्यू। आप थोड़ा देख के ऐसा लगता है पढ़ाई कम करते हैं, ठीक है, तो आप इसको देखें, पढ़ें। आपके रेलवे में सब अदर एग्जाम जो आएंगे उनमें काम आएगा। चलें, डिजीज देखो, या तो डिजीज आज वरना एक सेक्शन और लेके आएंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक क्लास में। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो, जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से डरना, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं अपन जल को, वाटर। और वाटर को इंग्लिश में बोलें तो मतलब ये होता है H2O। तो देखो इसको ऐसे हाइड्रो, केमिस्ट्री की भाषा में बात करें ना तो जल को मतलब हाइड्रोलिक चीज जो भी आती है ना, हाइड्रो सेवर, हाइड्रोफोबिया, फोबिया का तो मतलब डरना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जल से भय, जल से डरना किस रोग का लक्षण है? तो ये होता है रेबीज का, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, किसके काटने से होता है? कुत्ता, चमगादड़, बंदर, इनके काटने से फैलता है, ठीक है। वायरस होता है, वायरस से फैलने वाली बीमारी है वायरस, ठीक है, इससे फैलता है। और इसमें क्या होता है, खुद की परछाई देख के, पानी को देख के, फिर रोगी जो होता है ना वो डरने लगता है। तो इसके लिए देखो इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जो मनुष्य है ना जिसको मतलब रेबीज हो जाता है वो वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है जैसा वो जिस कुत्ते ने काटा है, बंदर ने काटा है, उस टाइप का। तो ये होगा आपका आंसर, क्या होगा, रेबीज, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? मधुमेह बोले तो आपको ये इंग्लिश में अच्छा समझ में आता होगा, डायबिटीज, डायबिटीज रोग क्यों होता है, ठीक है। तो ये दे रखा है इंसुलिन का कम स्राव, थायरोक्सिन का और एस्ट्रोजन का, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक लैंगिक हार्मोन है, ठीक है, तो इसकी वजह से तो ये होता नहीं है मधुमेह। तो मधुमेह तो मेल और फीमेल दोनों में मिलता है, जबकि ये तो एक लैंगिक हार्मोन हुआ। थायरोक्सिन की कमी हो जाए ना तो एक डिजीज हो जाती है जो मैंने आपको पढ़ा दिया था, गेंगा, या फिर जिसको गोइटर या फिर गलगंड ये बोलते हैं, ये मैंने पढ़ाया था, ये उसकी कमी से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कम स्राव इंसुलिन का। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसके कम स्राव होने से रोगी में डायबिटीज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग भी बोलते हैं। आ गया समझ? अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? देखो टैक्सी मान लें, अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाता है ना, तो ऑटो टैक्सी वो होते हैं। तो ये भी बोल रहा है कि मनुष्य में जो रोग फैलाता है, किसी एक अदर मनुष्य में हो रखा है फिर फैल के किसी दूसरे में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कीट को क्या बोलते हैं? तो देखो ले जाने वाले को अपन बोलते हैं वाहक, वाहक को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। तो ये देखो वाहक बोलते हैं। अब ये किसको फैला रहा है, रोग को, तो रोग के कीटों को, मतलब यहाँ रोगाणु दे रखा है तो रोग के अणुओं को, रोग के कीटों को, अणुओं को फैलाने वाले को क्या बोलेंगे अपन, वाहक बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, हिंदी में वाहक ये बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, रोगाणु वाहक, रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, ब्लड में यूरिक अम्ल की अधिकता, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। आप देखो ऐसे पढ़ेंगे ना तो ज्यादा, मैं फिर से बोल रही हूँ, हार्ड पेपर नहीं आता ये, ठीक है। ब्लड, ब्लड में यूरिक अम्ल जब जम जाता है ना, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, तो मैंने आपको दिखाया था उस वाली बीमारी को बोलते हैं गठिया। देखो मैंने ये भी बताया था, हाथ के ये जो है ना जोड़, जहां जहां अपने में मतलब बॉडी में जहां जहां जोड़ आते हैं ना, संधि आती है उस जगह पे, हाथ में, कोहनी में, घुटने में, सब जगह पे, जैसे हाथ इस कंडीशन में तो इस कंडीशन में ही रह जाता है, तो उस वाले रोग को क्या बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, पीलिया किससे संबंधित रोग है? ये अपने बॉडी पार्ट हैं जो अंदर के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पीलिया में इससे कौन प्रभावित होता है, तो पीलिया में होता है लीवर, यकृत, लीवर प्रभावित होता है पीलिया रोग में। बिलीरुबिन, बिलीवर्डीन ये बढ़ जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डीन, इनकी मात्रा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डीन इनकी मात्रा बढ़ जाती है, बिलीवर्डीन बढ़ने के कारण
यूरिन का फॉर्मेशन ये भी येलो कलर में हो जाता है, स्किन आंखें सब पीले कलर के दिखाई देने लग जाते हैं। तो पीलिया किससे संबंधित हुआ, यकृत से संबंधित, किडनी से संबंधित मैंने बताया था कौन सा हुआ, डायलिसिस, अग्नाशय जठराग्रम रोग जिसको बोलते हैं, ड्यूडोनम या ग्रहणी जिसमें पाचन होता है, तो पाचन क्रिया से रिलेटेड, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, निम्न में से विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु द्वारा, वायरस, विषाणु को क्या बोलते हैं, वायरस, तो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग पूछ रहा है। तो ये देखो टीटनस से, टाइफाइड से रोग, कल आपको मैंने टीटनस का पढ़ाया था, ये ट्रिपल एंटीजन में काम आता है, DPT, तो यहाँ आता है, तो ये तो इसमें चला जाता है, क्षय रोग और टाइफाइड, ये किससे फैलते हैं दोनों, भाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से फैलते हैं। अब मैंने ये भी काफी बार बता दिया आपको, बैक्टीरिया एड्स, आप फुल फॉर्म लिखेंगे AIDS, ये किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है, इसमें टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, कल बताया था एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे, ठीक है। तो एड्स जो रोग है ना, उसमें अपना इम्यून सिस्टम है ना वो कमजोर हो जाता है, प्रतिरक्षी तंत्र, तो ये वायरस के द्वारा कौन सा फैलता है, एड्स फैलता है, आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी, पर मतलब दूसरा, पोषी मतलब जो उसको भोजन प्रदान करे, तो परपोषी पूछ रहा है, प्राथमिक परपोषी किसका, मलेरिया का, मलेरिया का द्वितीय परपोषी तो होता है कौन, मनुष्य, सॉरी मनुष्य होता है द्वितीय परपोषी, तो प्राथमिक की बात कर रहा है कि प्राइमरी होस्ट कौन है इसका, प्राथमिक परपोषी कौन है, तो वो होता है एनोफिलीज मच्छर। देखो कल भी ये दे रखे थे, मैंने कल भी आपको बताया था, मोस्ट ऑफ जो है ना वो मादा फीमेल है रोग फैलाने का काम, तो ये है मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, ये प्राथमिक परजीवी होता है, प्राथमिक सॉरी परपोषी होता है मलेरिया का, परजीवी का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, मिठाई पर बैठी मक्खियों को दूर भगा के एक लड़की उसी मिठाई को खा लेती है, इसकी वजह से वो किस रोग का शिकार हो जाएगी, देखो किस टाइप का क्वेश्चन आया, मतलब खाद्य पदार्थों की वजह से फैल रहा है, दूषित खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ नहीं, कौन से, दूषित, क्योंकि मक्खी बैठ गई तो मक्खी के साथ में कुछ कीटाणु थे, दूषित खाद्य पदार्थ की वजह से फैलता है, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा गया है, तो वो रोग होता है आपके पास हैजा, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, बैक्टीरिया, नाम बैक्टीरिया का विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, इसकी वजह से, ये नाम आप इस वजह से भी याद रख सकते हैं क्योंकि हैजा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलेरा, हैजा का नाम है, दूषित पानी, दूषित खाद्य पदार्थ इनकी वजह से फैलने वाला है, तो ये वो जो लड़की मक्खी को हटा के फिर जो मिठाई खाती है ना, तो कौन से रोग का शिकार होगी, हैजा रोग का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखो, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है, अब सबसे पहले तो ये है ना कि एंजियोप्लास्टी समझ आनी चाहिए, होती क्या है, देखो पाइप आते हैं कोई भी अपने घर में पानी सप्लाई का, ये पाइप है, अब इसमें देखो मिट्टी धूल आती गई, मिट्टी धूल, अब वो यहाँ जमा होती गई, यहाँ ऐसे ऐसे जमा होती गई थोड़ी थोड़ी करके इस टाइप से, अब पानी के लिए जो पहले जगह थी वो जगह कम अवेलेबल होती है, जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे ये जमा होती गई, और एक दिन ऐसा आता है कि ये पूरा पाइप ब्लॉक हो जाता है, तो जो पानी सप्लाई होके यहाँ से यहाँ अपने पास आ रहा था वो कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता, तो इसके लिए देखो या तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी या फिर इसको हटाओ और कुछ दूसरा ऐसा कुछ ट्रांसफर कर दे, ऐसा ही सिस्टम है अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी में सेल्स होती हैं इस टाइप से, सेल्स से बनी हुई स्ट्रक्चर है अपनी जो बॉडी है ये, अब ये सेल्स हैं, सेल्स को आप इस फॉर्म में ले लें कि ये एक सेल है, अब अपने में देखो क्या होता है, फैट, फैट मतलब वसा जिसको बोलते हैं, फैट, फैटी जो पदार्थ अपन खाते हैं उनका जमाव हो जाता है यहाँ, देखो बर्तन भी तो चिकने हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे जमाव हो जाता है, अब इनमें क्या चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, अब यहाँ पर ये फैट जमा होती गई तो ये भी ब्लॉक हो जाएगी, तो ब्लड आ रहा है यहाँ से, तो वो ब्लड सप्लाई कैसे होगा, यहाँ नीचे तक कैसे जाएगा, यहाँ से नहीं हो सकता, तो उसके लिए किया जाता है, अब ब्लड सप्लाई करने का काम कैंसर, ये तो ना खुद ही एक रोग है, आप इसको देख के ही समझ ले कि किस रोग का उपचार किया जाता है, तो ये तो रोग है, तो कैंसर का तो नहीं होगा,
नीचे देखो डायबिटीज, डायबिटीज भी एक रोग है, तो इसका भी देखो कैप्सूल वगैरह से हार्मोन दे के या फिर उनसे किया जाता है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बोलते हैं इसका भी नहीं है। देखो हार्ट, हृदय, वो क्या करता है, ब्लड की सप्लाई करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर जब वो कैपिलरी निकलती है ना, कोशिकाएं निकलती हैं, अब उनमें ही देखो ये ब्लॉकेज आ जाए, तो उनको हटाने की क्रिया उसको क्या कहते हैं, एंजियोप्लास्टी। इनको हटाया जाता है, जैसे बोलते हैं ना बाईपास सर्जरी की जाती है, ठीक है, उनको हटा के फिर दूसरी ऐसे डाल दी जाती है, इसी टाइप से बैलून टाइप, इस टाइप से डाल दी जाती है। देखो इसका अपन डायग्राम देखें, ये देखो ये हर्ट है, हर्ट से ये सेल्स आ रही है कोई, ये एक सेल है जिसके अंदर देखो ब्लॉकेज ऐसे आ गए हैं, ऐसे ब्लॉकेज आते गई, ये जम गई फैट जमने के कारण, फिर ये बंद हो गई। देखो पहले तो थोड़ी जमी, फिर थोड़ी ज्यादा हो गई, इसमें तो आ रहा है ब्लड, इसमें भी आ सकता है, अब इसमें तो देखो ये एकदम से ब्लॉक हो गई। अब देखो इस वाली जगह को यहाँ से काटा हटाने के लिए, ऐसा ही तो कर सकते हैं ना, हटा के और ये डाल दिया कोई दूसरी ऐसे बैलून शेप कोई स्ट्रक्चर डाल दी, अब इसमें क्या है, फैट का जमाव नहीं होगा, तो ब्लड की जो सप्लाई हो रही थी ना वो होने लग जाएगी दोबारा। आ गया ये समझ, एंजियोप्लास्टी, वो एंजियोप्लास्टी की बात कर रहा है। तो एंजियोप्लास्टी किस रोग के उपचार में, हृदय रोग, हार्ट जो डिजीज होती है ना उनके उपचार में किया जाता है। आ गया समझ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनगुनिया का क्या कारण है, ये पूछ रहा है कि चिकनगुनिया किसकी वजह से फैलता है, ये पूछ रहा है, ये है वायरस, ये है बैक्टीरिया, ये है पानी और ये है फंगस, इनकी वजह से पूछ रहा है। तो ये फंगस डिजीज में तो देखो दाद होता तो चिकनगुनिया है वैसे, मतलब एक तरह से खुजली टाइप ही है, लेकिन ये फैलता किसकी वजह से है, ये वायरस की वजह से फैलता है, वायरस विषाणु इसकी वजह से फैलता है चिकनगुनिया फैलने का कारण। अब देखो चिकनगुनिया होता क्या है, आप देखेंगे, देखो चिकनगुनिया में ये इस टाइप से स्किन पे लाल लाल चकते हो जाते हैं, वायरस की वजह से फैलता है और लाल लाल चकते बन जाते हैं, ठीक है। वायरस, ये कौन सा रोग है आपके पास में, ये चिकनगुनिया है, तो ये वायरस की वजह से फैलता है। इस टाइप से पैर या फिर हाथ जो भी है, बॉडी का जो भी पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की दिखाई देती है। आ गया समझ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलाई जा रही। अब ये बोल रहा है कि और तो कोई ना कोई मच्छरों द्वारा फैलाई जाती होगी, पर कोई एक बीमारी है जो मच्छरों द्वारा नहीं फैलाई जाती। आप ये तो पढ़ते हैं मलेरिया डेंगू, ये दो तो आपको शायद आते होंगे कि ये मच्छरों द्वारा फैलते हैं। ये तो एडीज मच्छर है और ये एनोफिलीज, और दोनों में कौन है, मादा। और फाइलेरिया एक फील पाँव या हाथी पाँव जिसको बोलते हैं ना, वो एक कृमि के द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है। इसमें इसका आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया द्वारा फैलाई जाती है, तो ये किसके द्वारा नहीं फैलाई जाती, मच्छरों द्वारा। तो मच्छर क्या होगा इसका आंसर होगा, मतलब ये आंसर इसके नहीं होंगे, आप ऐसे देखेंगे कि ये टिक मार्क लगा दिया तो तीन तीन आंसर क्या, नहीं, इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो मच्छरों द्वारा नहीं फैलाई जाती। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, पीलिया या फिर हिपेटाइटिस से पाचन तंत्र का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पहले भी अभी आ गया है, ठीक है। पीलिया जब हो जाए तो कौन से को प्रभावित करता है, ये तो आया 2015 में, वो शायद 2014 में था, कौन सी, ये आरआरबी जेई थी उसी में था, वो 2014 में था क्वेश्चन, यही था, ये 15 में आया। तो इसका आंसर अभी मैंने बताया कौन सा होगा, लीवर, ये करते क्यों होता है पीलिया, शरीर में बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है, स्किन का आंखों का रंग येलो दिखाई देता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, कुनेन कौन सी बीमारी को ठीक करती है और ये किस पौधे से ली जाती है। एक साइड तो बीमारी दे रखी है और एक साइड पौधा दे रखा है। अब आपने पहले शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो कुनेन, कुनेन कहाँ से मिलती है अपने को, सिनकोना पौधे की छाल से। कहाँ से प्राप्त होती है, सिनकोना पौधे की छाल से। और कौन सी बीमारी को ठीक करती है, मलेरिया बीमारी को। और मलेरिया फैलता कैसे है, मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा फैलता है। दो परपोषी होते हैं इसमें, प्राथमिक कौन आता है, अभी अभी आपने पढ़ा है मादा एनोफिलीज, और द्वितीय कौन आता है, द्वितीय का आता है मनुष्य, ठीक है। अब देखो ब्लड, बीपी,
है ना आपके पास में, उसको कौन कम करता है, राउल्पिया सरपेंटाइना एक पौधा है, सर्पगंधा बोलते हैं जिसको, ट्यूबरकुलोसिस निकोटियाना पीलिया को रोजा हिबिस्कस, ठीक है ये बोलते हैं। अब ये आपका जो आंसर अभी कुनेन पूछ रहा है कहाँ से मिलेगी, शिनकोना पौधे की छाल से, कौन सी बीमारी को ठीक करती है, मलेरिया को ठीक करती है। मलेरिया की अभी मैं बता रही थी कितने, दो परपोशी होते हैं, दो परपोशी, परपोशी कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है मादा एनोफिलीज जो कि प्राथमिक है, मादा एनोफिलीज, और सेकंड कौन है, मनुष्य। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी में आ भी गए हैं आपके पास में, तो आप, मैं आशा करती हूँ कि आप इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जाता है, ये पूछ रहे जो पानी से फैलते हैं ना उनको कैसे नियंत्रित करें, तो ये आपको बताना है। पानी है उसका वी खनिज नहीं, अच्छा पानी में कोई खनिज होता है होगा, उसको निकाल के तो रोग तो का ही कम होंगे, पानी का अलवणीकरण करके, नहीं ये भी नहीं है, पानी के कीटाणुओं का नाश करके, और यहाँ देखो पानी के जो कीटाणु आते हैं उनको शोधन करके, मतलब कीटाणुओं का पानी आ गया तो उसका शोधन फिल्ट्रेशन करके, तो इसका आंसर होगा पानी के कीटाणु का शोधन करके। 2015 में आया, देखो कितना इजी क्वेश्चन, जल जनित रोगों को किससे नियंत्रित किया जाएगा, पानी में जो कीटाणु है उनका शोधन करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, जब एक शरीर में कोशिका विखंडन नियंत्रण के बाहर हो जाता है, काफी बार आ गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है ये ए और सी, अच्छा ए में क्या दे रखा है, ज्वर, ठीक है बी में पर्दा है, और मैंने आपको बताया था कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन क्या कहलाता है, मैंने ये आपको बताया था। अब मैं फिर से एक ही बात बोल रही हूँ, अगर आपके माइंड में बताई हुई बातें रिकॉल हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, तो आपको रिवीजन की नीड है, अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा है तो फिर से पढ़ लें। कोशिकाओं का अनियमित या अनियंत्रित विभाजन, अनियमित नियमित विभाजन क्या कहलाता है, कैंसर, कैंसर, ये क्वेश्चन पीछे भी आ गया। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओनकोलॉजी, ओनकोलॉजी, ये क्वेश्चन भी पीछे आ गया। तो ये पूछ रहा है कि जब एक शरीर में कोशिका विखंडन नियंत्रण के बाहर हो गया, मतलब क्या हो गया, अनियंत्रित, अनियंत्रित विभाजन हो गया, यही हो गया ना इसका मतलब, अनियंत्रित विभाजन को आप क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे, कैंसर के अध्ययन को ऑनकोलॉजी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, एथलीट फुट नाम का रोग किसके कारण होता है, एथलीट फुट के बात कर रहा है, तो इसमें देखो ये होता है फंगस की वजह से, जैसे दाद होता है ना उस टाइप से ये फैल जाता है। कब फैलता है, देखो या तो अपन जो शूज पहनते हैं वो एनी टाइम पहन के रखते हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है, तो देखो उंगलियां होती हैं ना यहाँ इनके बीच में, पैर की बात कर रही हूँ, पैर में एथलीट फुट है, तो आप ये भी देख लें कि ये पैर में फैल रहा है, तो पैरों की जो उंगलियां उनके बीच में ऐसे खुजली हो जाती है, ऐसे दाद होता है ना उस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है, वाइट वाइट, और स्किन ना वो जड़ने लगती है अपने आप उतर उतर के, तो ये फंगस की वजह से फैलता है। कौन सी डिजीज, एथलीट फुट। अब एथलीट फुट होता क्या, देखो पैर में ये कहानी हो जाती है, देखो ये ऐसे ऐसे वाइट हो गया ना पैर, एकदम से गलने लगता है ऐसा लगता है, तो इसको बोलते हैं एथलीट फुट, पैर है तो फुट बोल दिया। किसकी वजह से फैल रहा है ये, फंगस की वजह से, फंगस की वजह से फैलता है, आ गया समझ। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, थैलेसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, कम बना पाता है, तो ये पूछना चाहता है कि थैलेसीमिया जो बीमारी है ये कैसी बीमारी है, जीवन शैली, अनुवंशिक, संक्रामक, चयापचय से संबंधित, चयापचय का मतलब उपापचय से रिलेटेड मान लें आप, कौन सी बीमारी है, तो थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें आरबीसी है ना, आरबीसी वो होती तो गोल है पर थैलेसीमिया में क्या हो जाती है, मुड़ के हंसियाकार, जैसे अपनी दांत नहीं दराती लावणी करते हैं, गेहूं वगैरह काटते हैं, देखिए होगी दराती होती है उस टाइप से हो जाती है, मुड़ के दांतली बोलते हैं उसको मारवाड़ी में, दराती को, ठीक है, तो उस टाइप से मुड़ के इस जैसी हो जाती है। तो अब ये ऑक्सीजन O2 और CO2 का परिवहन कम कर देती है, O2 का परिवहन कम करेगी, तो ये जो बीमारी होती है इसको क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, आनुवंशिक बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है जिसका, आ गया समझ। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकती है, तो अन्य कौन से जानवर के काटने से हो सकती है, ये मैंने अभी भी आज भी शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही था
कि रेबीज की वो जो डरना उसको क्या बोलते हैं, किससे डरता है वो, पानी से, और डरना को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, इस बीमारी को। तो ये मैंने उसी टाइम नाम बोला था, किसके, रेबीज, रेबीज की वजह से होता है ये, किसके काटने से, कुत्ता, बंदर, है क्या ऑप्शन में बंदर, नहीं है, और फिर चमगादड़, चमगादड़, इन तीनों के काटने से क्या फैल जाता है, रेबीज फैल जाता है। तो इनमें से कोई एक आंसर यहाँ, एक तो दे दिया इसने कुत्ता, और दूसरा क्या पूछा इसने, ये रहा चमगादड़, मतलब बैट, बैट के काटने से, चमगादड़ के काटने से भी क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है, और इससे व्यक्ति पानी को देख के डरता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्रोफोबिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ आ गया होगा। अब देखो, HIV एड्स का एक कारण है, अभी भी ये भी क्वेश्चन आ गया, देखो फिर से यही रिपीट होते जा रहे हैं, ये HIV का तो HIV की फुल फॉर्म, एड्स की फुल फॉर्म, एलिसा टेस्ट इसी से रिलेट है, उसकी फॉर्म, फुल फॉर्म, तीनों की तो फुल फॉर्म आ रही है, और तीनों किससे संबंधित हैं, ये HIV से, और HIV में एक जगह इसकी फुल फॉर्म में आ भी रहा है कि ये किसकी वजह से फैल रहा है, देखिए ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो ये किसकी वजह से फैल रहा है, एक वायरस, और वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। कभी तो देखो आप इनको, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, इनको तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना, क्योंकि इनका तो वही नाम है ना, दोनों में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से फैलता है, विषाणु, वायरस की वजह से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट में रोग दे रखा है, सेकंड में रोग का प्रकार दे रखा है, मिलान करना है और सही कोड बताना है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ तो आपके पास में रोग है और यहाँ रोग का प्रकार दे रखा है, भाई कौन सा रोग किस प्रकार का है। अभी अभी आपने पढ़ा है दाद, ठीक है, दाद पढ़ के एथलीट फुट उसी टाइम बताया था भाई ऐसे, तो दाद के टाइम मैंने बताया था फंगल इन्फेक्शन होता है ये, फंगल संक्रमण, ठीक है। तो आपके पास में देखो डी में आएगा 4, तो ये ऑप्शन भी नहीं है और ये ऑप्शन भी नहीं है, दो पे आ गया, 50% काम हो गया आपका। अब चलो रिकेट्स, रिकेट्स को मतलब एक मैंने बताया था यहाँ डेफिशियंसी दे रखा है, और डेफिशियंस के या हिंदी में लिखें तो अभाव रोग, और ये तो काफी बार आ गया अभाव रोग, रिकेट्स, और रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, ये सी है ना, ये इसका पॉइंट है, आप ये मत समझ लेना, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और देखो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं अभाव रोग, और इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशियंसी रोग, तो रिकेट्स के साथ में आ जाएगा सी के साथ में फर्स्ट, तो सी के साथ में फर्स्ट दोनों में ही है आपके पास, तो दो से काम नहीं चला। चलो दोबारा चलते हैं, एक आधा और ढूंढते हैं, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, अभी आप ये भी आ गए आपके पीछे वाली क्लासों में आया, हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है, तो ये ए में 2, अब ये रहा ए में 2, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर दे रखा है मधुमेह है, तो मधुमेह को भी देख लेते हैं, एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, उसकी वजह से होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, हार्मोनल विकार। ये सही क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी तो आपका ये हो जाता है कि आपको एक ऑप्शन आता है तो काम चल जाता है, ठीक है, और कभी कभी आपको 3 ऑप्शन आना जरूरी होता है, 2 से काम नहीं चलता। अब देखो ये एक और ये दोनों है ना, ये 2 सी और डी दो में दे रखे थे, तो ये है, अब आप कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, सबको याद रखना, अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 4 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और यहाँ एक बना दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, मनुष्यों में रोगों का संक्रमण या संचरण करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, मनुष्य में रोग जो फैलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो ये इस टाइप का कल भी आया था, उनको बोलते हैं रोगजनक या फिर बोले तो पैथोजन, ठीक है, पैथोजन इसका नाम है इंग्लिश में, रोगजनक, फैलाने वाले को, संक्रमण करने वाले को, संचरण करने वाले को, रोगों के संचरण करने वाले को, आ गया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, रोगजनक बैक्टीरिया द्वारा संचरित जल जनित रोगों के लक्षण है, ये बता रहा है कि भाई जल से जो रोग होता है ना, रोगजनक बैक्टीरिया, और उसमें जो जल से फैलता है, ठीक है, पानी से, तो वो ताप के पास में कौन सा, ये देखो ये तो आया था, हृदय रोग, एंजियोप्लास्टी, किडनी का खराब होना, डायलिसिस होता है, या कर्त में खराबी, इससे क्या हो जाता है, ये अभी आया था ना वो पीलिया, तो ये होगा जठरांत्रीय विकार, अपने जो ये पाचन से संबंधित बीमारियां ना उनमें हार्मोन इम्बेलेंस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जठरांत्रीय विकार। तो इसका आंसर क्या होगा, जल जनित रोगों के लक्षण में जठरांत्रीय विकार। अब चलते हैं, ध्यान नहीं है,
जब एक व्यक्ति को प्लाज्मोडियम से संक्रमित मच्छर काटता है तो उसे निम्न बीमारी होगी। प्लाज्मोडियम से संक्रमित जो काटता है तो उसको कौन सी होगी? मलेरिया होगी। ठीक है, मलेरिया बीमारी हो जाती है जब एक व्यक्ति को प्लाज्मोडियम से संक्रमित मच्छर काट लेता है। तो ये तो काफी बार आ गया। इसका वाह कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज एनोफिलीज मच्छर, ये है इसका वाहक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, हिपेटाइटिस ए की सूजन जो हल्की से गंभीर बीमारी, ये भी आपके पास में आ गया कई बार, लीवर यकृत। हिपेटाइटिस को ही बोलते हैं पीलिया, तो ये किससे रिलेटेड है आपके पास में? लीवर यकृत से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन के अवश्य दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो यहाँ जाना, ठीक है, ये बोल रहा है कि ओजोन है ना, उसके मतलब साइड इफेक्ट होंगे, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये देखो, जलीय जंतुओं का अपेक्षाकृत कम उत्पादन। हाँ, ओजोन क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, मतलब अल्ट्रावायलेट जिसको बोलते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये जलीय जीवन कम उत्पादन हो जाएगा। हाँ, ये तो हो जाएगा। तो ये तो नहीं का आंसर नहीं हुआ, ये तो होगा। स्थलीय पादपों की कम वृद्धि, जो ये जलीय जंतु हैं वो तो कम बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही कम, और जो स्थलीय पादप हैं वो कम बढ़ेंगे। फिर देर है त्वचा कैंसर। देखो, त्वचा कैंसर में तो ये मदद करता है। मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, ऑक्सीजन तो अपन उतनी लेंगे ना जितनी अपने को लेनी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, ये इसका ओजोन के डिप्लीशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। आ गया समझ? अब देखो, इतने क्वेश्चन थे हमारे पास में। अब आप फिर से वही बात, गुरु दक्षिणा देने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते, राम राम।